हाय गाइस, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैंने जेनली ऐप पर एक पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो यार उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, सो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, उस एप्लीकेशन का जो मैंने रिव्यू किया था, तो यार उस पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि यार इसमें लोकेशन कैसे हम ट्रैक करें, हम अपने साथी की लोकेशन कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनाइए। सो दोस्तों, ये वीडियो है पूरी इसी पर डेडिकेटेड है। मैं इसी में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपनी फ्रेंड की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। जी हाँ, वो भी इसी एप्लीकेशन की सहायता से। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो यार इस वीडियो को अभी फटाक से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपकी हेल्प भी होने वाली है। तो फटाफट लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने फ्रेंड की कैसे लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, तो यार ये करना बिल्कुल पॉसिबल है और यार बिल्कुल इजी है। कैसे करना है, चलिए हम जान लेते हैं। तो यार यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपका जो फ्रेंड रहेगा उसके मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पर लोकेशन उसकी ट्रैक कर सकते हैं। यदि उसके मोबाइल में ये एप्लीकेशन है, फिर कैसे करना है जान लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड फ्रेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जी हाँ, क्लिक करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा फ्रॉम कॉन्टैक्ट, यूज़र नेम या मोबाइल नंबर, आप इन तीनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं और यार अपने फ्रेंड को यहाँ से ऐड कर लीजिए। और यार यहाँ पर मैं फ्रॉम कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं अपना नाम जो है डाल देता हूँ दूसरी डिवाइस का। जी हाँ, और यहाँ पर मैंने ऐड वाले बटन पर जैसे ही क्लिक किया, सो देख सकते हैं दूसरे मोबाइल में आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर साइड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सो देख सकते हैं कुछ इस टाइप की जो है नोटिफिकेशन वहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर उसे एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा, और जैसे यहाँ पर एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों की जो है लोकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, और यार यहाँ पर मैं जूम करके भी आपको बता देता हूँ, और यार साइड में भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों की लोकेशन देखने को मिल जाएगी कि आप दोनों के मोबाइल कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर किलोमीटर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, और यार इतना ही नहीं, आपको सामने वाले की बैटरी भी समझ में आ जाएगी कि उसके मोबाइल में अभी कितने परसेंट बैटरी है। सो आप देख सकते हैं 34 लिखा है, मतलब सामने वाले के मोबाइल में 34% बैटरी अभी अवेलेबल है। और यार यहाँ पर देख सकते हैं, और जूम करके भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप इजीली से सामने वाली की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, वो कितनी दूरी पर है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि आपको इनसे चैटिंग करना है, सो यहाँ से चैटिंग वगैरह भी आप इजीली से कर सकते हैं। और यार आपको यदि इन्हें इमोजी भेजना है, सो यहाँ पर स्टिकर या इमोजी कह सकते हैं, इनका ऑप्शन भी आ जाता है, आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी भेज सकते हैं। और यदि आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजना है, तो यहाँ से फ़ोटो भी क्लिक करके भेज सकते हैं, ऑडियो वगैरह भी आप यहाँ से आसानी से भेज पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, आप जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन करके भी आप अपनी दूरी वगैरह देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सो सामने वाले का यहाँ पर लोकेशन देखने को मुझे मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मोबाइल मेरे अभी पास रखे हैं, सो यहाँ पर हमें देखने को मिल गए हैं। यदि ये दोनों मोबाइल दूर दूर होते, सो यहाँ पर दूर दूर देखने को मिल जाते। अब दोस्तों, आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा, यदि हम दूसरे फ्रेंड को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। सो सबसे पहले आपको ये वाले फ्रेंड को जो है डिसकनेक्ट करना होगा, वो कैसे करना है जान लीजिए। आपको यहाँ पर नेम लिखा जैसे टेक्नो लिखा है, सो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना होगा। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर सेटिंग का आइकन नज़र आएगा फर्स्ट में, ओके, सो यहाँ पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा थर्ड नंबर पर, डिलीट फ्रेंड, ओके, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यदि म्यूट करना है, सो म्यूट भी कर सकते हैं, और एडिट कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो हमें तो डिसकनेक्ट करना है, सो यहाँ पर डिलीट फ्रेंड पर हम क्लिक करके इसे येस कर देंगे। सो देख सकते हैं यहाँ पर जो है
कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया है। ओके, सो यहाँ पर मेरा ही मोबाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मेरी ही लोकेशन आप देख पाएंगे। आई होप दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट थे इस ऐप से रिलेटिव वो सारी क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपके मन में डाउट है इस ऐप से रिलेटिव सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई चाहिए है सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। सो इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर शो कर रही होगी, तो जाइए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए एंड फॉलो करने के बाद आपको मैसेज कर देना है, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हो तो यार मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लाता रहता हूँ। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब करना होगा। सो मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।